आपकी नज़र में कौन सा ऐसी कैंडिडेट है जो बहुत बेहतर है और जो यहाँ से जीत सकता है? जितिन प्रसाद जी, और इस बार 2024 की बात करें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। माननीय जितिन प्रसाद जी, उनकी छवि भी ठीक है और पीलीभीत से उनका जुड़ाव रहा। टिकट मिला है जीतन प्रसाद जी को, सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी वही है और वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यदेव मिश्रा। यहाँ पीलीभीत और लोकसभा जो पहड़ी है, यहाँ पर तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन आपको किस पार्टी का कैंडिडेट सबसे मजबूत लगता है और किसको जिताने की काम करेंगे? यदि पीलीभीत लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार विजयी प्राप्त हुई है, और इस बार 2024 की बात करें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जितिन प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है, तो क्या लगता है जितिन प्रसाद अपने आप में कितने बड़े चेहरे के रूप में यहाँ कार्य करेंगे और कैसे विकास कर पाएंगे यदि वो जीते तो? यदि जीतते हैं तो वही लोगों का मानना है कि योगी सरकार में वह PWD मंत्री हैं, और यदि यहाँ से सांसद बनते हैं तो लोगों का और जनता का मानना है कि वह केंद्र सरकार में भी मंत्री बनकर यहाँ पर बेहतर कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। यहाँ पर तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं पीलीभीत और बहेड़ी लोकसभा में जी। आपके नज़र में जो यहाँ 10 प्रत्याशी हैं, पार्टियों सहित निर्दलीय भी हैं, तो उन 10 में से सबसे बेहतर छवि किस प्रत्याशी की आपको लग रही है और आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, प्रत्याशी अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में है, माननीय जितिन प्रसाद जी, उनकी छवि भी ठीक है और पीलीभीत से उनका जुड़ाव रहा है। पीलीभीत से काफ़ी पुराना उनका जुड़ाव है और हम सभी लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं और वो सबके काम करते हैं। क्या लगता है कि उनके पीलीभीत से सांसद बनने पर जिस तरह से उन्होंने, अब चूंकि इस समय राज्य सरकार में PWD मंत्री हैं, इससे पहले पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ से जब सांसद बनेंगे तो यहाँ की जनता उनसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं और आप उनके विकास को लेकर के या उनके काम को लेकर के या उनकी छवि को लेकर के कितना अस्वस्थ हैं आप क्या जानते? देखिए, पीलीभीत में उन्होंने कई निर्णय ऐसे लिए हैं जिसे रोडें बनवाई हैं और कई ऐसे निर्णय हैं जो यहाँ राजनीति ना करते हुए भी उन्होंने लिए हैं, और हो सकता है हम लोग जो हैं यही चाह रहे हैं कि उनको फिर से यहाँ सांसद बनाया जाए और विकास जो है वो करेंगे। तो पीलीभीत में उनके आने से विकास होगा? जी जी। क्या नाम है आपका? विभांशु शुक्ला। आपकी जो लोकसभा है बहेड़ी और पीलीभीत, चुनाव होने वाला है लोकसभा का, जनपद में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, निर्दलीय भी हैं, तो 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, उन 10 प्रत्याशी में आपको सबसे प्रिय कौन सा प्रत्याशी है? हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है जितिन प्रसाद जी को, सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी वही हैं और वही जीतेंगे। ठीक, लेकिन जितिन प्रसाद जी को टिकट मिला है, शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, तो उन्हें क्यों पसंद करते हैं, ऐसी क्या वजह है? ऐसा है कि जितिन प्रसाद जी जो हैं कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद जिस पार्टी में रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ रहे हैं, शाहजहाँपुर की जनता के लिए भी लोकप्रिय हैं और हमारे यहाँ पीलीभीत के लोग उनको चाहते भी थे कि वो यहाँ आ जाएं। हालांकि जब माननीय वरुण गांधी जी का टिकट कटा है तो अब जितिन प्रसाद जी आए हैं तो उन्हीं को हम लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। तो आप उनकी कार्यशैली से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो कार्यशैली नहीं हुई, लेकिन जहाँ जहाँ वो रहे हैं, जैसे धौरारा वगैरह में रहे तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा लोग जो है उनसे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देख के हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जिला भी आगे बढ़े। तो क्या लगता है उनके पीलीभीत में आने से, यहाँ से यदि वो सांसद बने तो क्या विकास होगा? विकास बोलेगा, दौड़ेगा विकास। क्या नाम है आपका? जी, सुमित कुमार शर्मा। जैसे कि लोकसभा चुनाव सर पर है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर प्रत्याशी जो है डटा हुआ है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा जिसमें पीलीभीत और बहेड़ी लोकसभा जो है इसमें में मतदान होने वाला है, तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, हर कैंडिडेट अपने आप को जीता हुआ समझ रहा है, आपकी नज़र में कौन सा ऐसी कैंडिडेट है जो बहुत बेहतर है और जो यहां से जीत सकता है? जितिन प्रसाद जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं और इससे पहले जो पूर्व में धौरारा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, इनकी जो कार्यशैली रही है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं, हर जगह विकास हुआ है, तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे पीलीभीत क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और भारी बहुमत से, 50% बहुमत से जीत भी होगी। लेकिन जितिन प्रसाद तो शाहजहाँपुर रहते हैं, क्या लगता है अपनी शिकायतें उनसे कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो बीजेपी के द्वारा निर्णय लिया गया है यहाँ पर जितिन प्रसाद जी को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है,
नामांकन भी करा दिया है, तो आप उनके कार्यशैली से और उनके नाम से खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही खुश हैं और पीलीभीत की जो जनता है वो भी बहुत खुश है। यदि यहाँ से वो सांसद चुने गए तो क्या लगता है कि पीलीभीत में कुछ विकास कर पाएंगे? जी जो पूरे जो पुराने उनके कार्यों को देखा जाए तो उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पीलीभीत में विकास होगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शुक्ला। अच्छा, लोकसभा चुनाव पूरी तरह से सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं, बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और तमाम निर्दलीय भी प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं और 10 प्रत्याशी जो हैं इस समय मैदान में हैं पीलीभीत और बहेड़ी लोकसभा में, लेकिन इस सभी में सबसे बेहतर प्रत्याशी आपकी नज़र में कौन है? श्री जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद जी सबसे बेहतर? जी जितिन प्रसाद जी यदि सबसे बेहतर हैं तो क्यों बेहतर हैं? उन्होंने ऐसे क्या काम कराए हैं? आप किस उद्देश्य से उनको किस स्तर से देखना चाहते हैं? ईमानदार छवि, स्वस्थ और बहुत अच्छे नेता हैं। ईमानदार छवि उनकी है और मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने मतलब पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाला है, इस समय PWD मंत्री भी हैं और ईमानदार छवि उनकी है। कहीं पर उनकी राजनीति में आज तक कहीं पर मैंने धब्बा या कोई गलत शब्द उनके बारे में कहीं नहीं सुना है। वो एक हमारे क्षेत्र के जाने माने नेता हैं और विकासशील पुरुष हैं और उनके बनने से हमें यही उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा और जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप उनका ही समर्थन करते हैं? जी मैं उन्हीं का समर्थन करता हूं। मैं जनता से यही अपील करता हूं कि अच्छे और ईमानदार ही सांसद चुन के भेजें जिससे कि हमारे देश और सबका विकास हो। तो उनके आने से पीलीभीत का बेहतर विकास हो सकता जी, है? उनके आने से जरूर विकास होगा। एक ईमानदार छवि उनकी है और बहुत अच्छे नेता हैं। हमारे देश, हमारे मतलब जिला का और हमारे प्रदेश का सभी जगह का विकास अवश्य होगा।